अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिक डिज़ाइन बाय नाज़। फ्रेंड्स, से आज की इस वीडियो में हम फुल सिलाई कोर्स में सीखने वाले हैं कि हम बिना बुकरम के नेक किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है और अच्छे से मैं आर्म होल कटिंग कर लूँगी। अगर आपने कुर्ती की कटिंग अभी तक नहीं सीखी है चैनल पर जाकर, तो आप सीख सकते हो। फुल सिलाई कोर्स का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। आप फ्री फ्री में सीख सकते हो, घर बैठे सिलाई का फुल कोर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले तो करना क्या है, कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लेना है और ऐसे रखना है, चाहे बैक हो या फ्रंट हो, जैसा भी आप नेक बनाना चाहो। फिलहाल तो आप इस वीडियो में देखकर बना सकते हो। तो सबसे पहले तो इसकी चौड़ाई में ले रही हूँ 4 इंच। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नेक बना रही हूँ, बॉट नेक बना रही हूँ। आप इस तरीके से फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर अपने साइज़ का नेक कटिंग कर लें। तो 2.5 इंच जो मैंने इसकी है लंबाई रख दी है और 4 इंच इसकी चौड़ाई रख दी है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से राउंड शेप देना है, इस तरीके से देखिए। तो ऐसे राउंड शेप दे देना है। अब मैं इसमें हल्का सा डिज़ाइन बनाऊंगी, तो ऐसे आपने देखिए पहले तो ऊपर से इस तरीके से नापना है। अब नेक को आपको देखना है कि नेक आपने कितना बड़ा रखना है। तो मैं इसकी लेंथ जो रख रही हूँ 5 इंच की रख रही हूँ। 5 इंच लेंथ रखने के बाद यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का एक निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पर अच्छे से दे दें। अब उसके बाद क्या करना है, ये नेक अच्छे से कटिंग कर लें। तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है ये नेक और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ये नॉर्मल नेक है। आप इतना बड़ा अगर कटिंग करना चाहते हो तो आराम से आपके नेक में आ जाएगा। अगर इससे बड़ा भी आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। जो हम नॉर्मल इसकी चौड़ाई रखते हैं, तो हम जो चौड़ाई रखते हैं 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हैं और लंबाई हम 6 इंच की रखते हैं। तो आप इतना बड़ा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। फिलहाल अगर छोटा नेक पसंद करते हो तो बिल्कुल ये परफेक्ट है। अब देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। ओपन करने के बाद कुर्ती को कुछ इस तरीके से देखिए नज़र आएगा हमारा नेक। तो ऐसे परफेक्ट आप नेक कटिंग कर सकते हो कपड़े पर। अगर आप कटिंग करते हो तो अच्छे से देख लें, कपड़े को सेट कर लें, करके देख लें, आपने जो है प्रेस प्रेस कर लेनी है, ठीक है, तब आपका नेक जो है परफेक्ट कटिंग होगा। अब देखना है कि एक फैब्रिक हमें लेना है और इसके ऊपर रख कर देखना है, बिल्कुल परफेक्ट आता है तब ठीक है, और नहीं आता है तो बड़ा फैब्रिक ले लीजिए। और एक बचा हुआ टुकड़ा है ये आर्म होल से जो बच करके आता है, ये वो टुकड़ा है। तो इसके ऊपर ऐसे मैं रख रही हूँ यहाँ पर नेक को। और इस तरीके से रखने के बाद करना क्या है, अच्छे से सेट करना है, नेक इधर उधर ना फैल जाए ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ अपने नेक को यहाँ पर रखना है, वरना क्या होता है एक साइड से जो हमारे कांधे हैं वो गिरने लगते हैं अगर हम फैला देते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पर कच्चा कर लेना है। देखिए मैंने सुई से कच्चा कर लिया है इस तरीके से रख कर, मैंने कच्चा करना नहीं बताया है, तो आप इस तरीके से कच्चा कर सकते हो। उसके बाद जो नॉर्मल हम सिलाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाती है, नेक इधर उधर भी नहीं भागता है। अगर आप पिनअप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट सिलाई से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसे कच्चा ज़रूर से कर लीजिएगा। और अब कच्चा करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लें मशीन से, और कॉर्नर हैं जो वो अच्छे से बनाए, नोक अच्छे से बनी हुई आनी चाहिए। अब देखिए ऐसे यहाँ पर सुई को अंदर ही रहने दें जब आप नोक वगैरह बनाते हो तब। तो इसी शेप में बिल्कुल हमें अच्छे से नेक बनाना है। काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ मैं आपको ये नेक बनाना बता रही हूँ। और सिंपल तो नेक हर कोई बना लेता है, बट कोई भी हम डिज़ाइन का नेक बनाते हैं तो उसके लिए हमें बुकरम की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम बुकरम का नेक बनाते हैं तो पहले उसको कटिंग करते हैं, फिर कपड़े में अटैच करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप ऐसे फिनिशिंग के साथ नेक बना सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने कच्ची सिलाई की थी इसको रिमूव कर देना है। तो ये देखिए मैंने सारी सिलाइयाँ जो इस तरीके से रिमूव कर देनी है, और जो हमने मशीन की सिलाई लगाई है वो रहने देना है। तो फिनिशिंग के साथ अभी हमने सिलाई भी देखिए रिमूव कर दी है। उसके बाद क्या करना है, अब आपने ये फैब्रिक कटिंग करना है। तो कैंची लेना है और उससे अपने फैब्रिक को कटिंग कर देना है। तो फैब्रिक इस तरीके से कटिंग करना है, देखिए किनारे से ही आप कटिंग कर दें जहाँ पर हमारी सिलाई है, बस वो ना कट जाए। ये आपको ध्यान से जो है यहाँ पर सिलाई लगानी है और इस नेक को ऐसे कटिंग कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये कटिंग जब हो जाएगा तब आपने नोचिस लगाने हैं। नोचिस इस तरीके से लगाएं ताकि हमारी जो सिलाई है वो ना कट जाए। और आपने ये नोचिस जो नोक है ना यहाँ पर बहुत अच्छे से नोचिस लगाना है, ताकि यहाँ से जो है फिनिशिंग के साथ नेक फोल्ड हो जाए। तो अभी हमने देखिए अच्छे से यहाँ पर नोचिस लगा ली है। अब इसको पलट लेना है। आप इस कपड़े को अभी ना कटिंग करें,
बल्कि आपने पहले से इसको फोल्ड कर लेना है। कोई भी नुकीली चीज़ लेनी है तो ऐसे ये कॉर्नर हैं जो अच्छे से निकालने हैं, नोक वगैरह, तो दोनों साइड से जो है नोक इस तरीके से निकालने हैं। अच्छा, हम बुकरम का कोई भी डिज़ाइन का गला बनाते हैं जो नोक वाला होता है तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से वो नोक नहीं निकल पाती है, हमारा बुकरम जो होता है अंदर ही सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब देखना आपको करना क्या है, आप चाहें तो प्रेस कर सकते हो, तो आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो करना क्या है, इस तरीके से देखिए फैब्रिक को एक्स्ट्रा कटिंग करना है। इस तरीके से गुलाई अच्छे से कटिंग कर दीजिएगा, तो इससे में भी आप रख सकते हो और हैंड स्टिचिंग वगैरह कर सकते हो। बट हमें क्या करना है, जैसे हमने नेक कटिंग किया है तो उस तरीके से आपने बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से शेप देना है। तो कैची को लेना है दोबारा से, और जैसे हम ये हमने नेक कटिंग किया है उसी शेप में हमें इस फैब्रिक को कटिंग करना है अच्छे से इस तरीके से, तभी तो फिनिशिंग आएगी नेक में। अगर आप ऐसे ही गुलाई में कटिंग कर देते हो तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए ऐसे फोल्ड करना है, बट यहाँ से आप एक कट मार लीजिएगा। कट लगाने से क्या होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कट मार रही हूँ, देखिए। अब कट लगाने के बाद क्या करना है, ये देखिए इधर का ऐसे फोल्ड हो जाएगा और इधर का ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो फोल्ड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो मैंने सिंगल ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पर जो है मैंने प्रेस नहीं की थी, तो मैंने इसलिए कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद क्या करना है, एक बार हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए जाना है और इस तरीके से यहाँ पर कच्चा करते जाना है। पहले तो मैंने सिंगल यहाँ पर कच्चा किया हुआ है ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए। अगर प्रेस है तो आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से नेक आप बना सकते हो। किसी भी डिज़ाइन का हो आप पे ऐसे नेक बना करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर चैनल पर न्यू हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मैंने ये फोल्ड कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर हैंड स्टिचिंग वगैरह कर लें तो हमारा नेक बिल्कुल परफेक्टली बनकर रेडी हो जाएगा। ऐसे ही हमने बैक नेक बनाया है, तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताएं। अब आपको क्या सीखना है फुल सिलाई के कोर्स में मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाएगी। फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।